कौन है कमलेश्वर पटेल जिन्हें कांग्रेस ने दिया लोकसभा का टिकट? शिवराज के विश्वामित्र ने हराया था विधानसभा चुनाव, अब राजेश मिश्रा से होगा सीधे में सीधा मुकाबला। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी कर रखी है, जिसमें मध्य प्रदेश की 10 सीटों पर तस्वीर साफ हो गई है। जारी लिस्ट में कमलेश्वर पटेल का नाम भी शामिल है, जिन्हें पार्टी ने सीधे से टिकट दिया है। विधानसभा चुनाव में उन्हें शिवराज सिंह चौहान के खास माने जाने वाले विश्वामित्र पाठक ने बड़े अंतर से हराया था। इस बार उनका मुकाबला लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा के साथ होगा। कमलेश्वर पटेल वर्ष 2013 में पहली बार सिहावल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे और 2018 के चुनाव में भी उन्होंने यह सीट बरकरार रखी, लेकिन 2023 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विश्वामित्र पाठक से सीट हार गए। कमलेश्वर पटेल मध्य प्रदेश सरकार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री थे। लोकसभा आपको प्रत्याशी बनाया गया है, क्या एजेंडे रहेंगे आपके इस बार? अरे अभी तो चुनाव लड़ेंगे, पहले जनता के बीच में जाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के कारनामे रहे हैं, जो झूठे वादे रहे जो पूरा नहीं किया है, वो जनता के बीच में जाके बात करेंगे कि कहाँ है काला धन, 15 लाख रुपए खाते में आए कि नहीं आए, महंगाई आधी हुई कि नहीं हुई, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात कही थी, रोजगार तो मिला नहीं बल्कि मिला हुआ रोजगार छीन लिया, किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात कही थी, तो किसान तो अभी भी आंदोलनरत है, शिक्षित बेरोजगार आंदोलनरत है, महंगाई से तो निजात मिला नहीं है, बहुत सारे विषय हैं। झूठे वादे करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को महारत हासिल है। अब जनता को के बीच में जाएंगे, बात करेंगे, पीएम आवास योजना की आधी अधूरी किस्तें मिली हैं, पीएम आवास योजना कंप्लीट नहीं हुआ, पीएम आवास योजना में सबको पक्का मकान देने के लिए जो लोग पंजीयन कराए थे पिछले लोकसभा चुनाव के टाइम में, पोर्टल खुला था, वो सब कोई भी वादा इनका पूरा नहीं हुआ, ना स्मार्ट सिटी दिखाई दे रही है, ना डिजिटल इंडिया दिखाई दे रहा है, सारे वादे सिर्फ किताबी रह गए हैं, झूठे जुमले साबित हुए हैं। और हमारा तो कहना है ऐसा कोई सगा नहीं भाजपा सरकार ने जिसको ठगा नहीं, तो ये ठग विद्या में माहिर हैं, इनके ठग को उजागर करना है। और कांग्रेस पार्टी के नेता जो राहुल गांधी जी, खड़गे जी लोगों को न्याय देने की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, वो सारे विषय को लेके हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और जरूर जिस तरह से रुझान है जनता का आशीर्वाद मिलेगा और इंडिया अलायंस की देश में सरकार बनेगी। भैया भाई जी, मध्य प्रदेश में कुल कितनी सीटें आएंगी? 20 से ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीतेगी और देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। और आज आप देख लीजिए कि किस तरह से हमारे माननीय न्यायालय ने जो व्यवस्था दी है, फंड जनरेट जो जिस तरह से हुआ है, जानकारी नहीं दे रहे हैं जी, जो मुख्य आयुक्त है निर्वाचन के उनका इस्तीफा हो जाता है बिना कारण के, क्या वजह है? जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया जा रहा है, और मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं बौखलाहट में है, कहीं ना कहीं अपनी कमियों को छुपाने के चक्कर में है, तो ये सारी चीजें एक न एक दिन गलत करने वाला हमेशा जो है ना, कोई भी हो सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं होता है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी के सभी नेता सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और सत्य को विजय मिलेगी।